उग्रसेन और देवक ये दो भाई। उग्रसेन का राज था, पत्नी का नाम था पवन रेखा। महाराज उग्रसेन के घर में जब एक बच्चे ने जन्म लिया तो आंधी तूफान मचने लगे। एक बात और बताएं, जैसा कहते हैं कि उग्रसेन की जो पत्नी थी दुर्मलिख नाम की राक्षस ने इनके साथ में छल किया। खैर ये किसी दूसरी पुस्तक में तो हो सकता है लेकिन भागवत कथा में नहीं है, ये श्रीमद् भागवत में ऐसा नहीं आया है कि दुर्मलिख ने उग्रसेन की पत्नी से छल किया। आंगन में जब सपूत पुत्र पैदा होता है तो सपूत जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कपूत पुत्र हो तो कपूत जैसे। बच्चे ने जब जन्म लिया तो आंधी तूफान मचने लगे, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। हुआ क्या? बच्चे ने जब जन्म लिया तूफान मचने लगे। उग्रसेन ने सोचा ये हमारे घर में कैसा कुलकपूत पुत्र पैदा हो गया। और जब बच्चे ने जन्म लिया तो इस बच्चे का नाम कंस रखा। कंस आंगन में धीरे 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 थोड़ा सा बड़ा हुआ, खेलने के लायक, तो ये बचपन से ही उपद्रव कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों को ले जाता है, किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है, किसी को कुएं में धकेल देता है। कंस बड़ा होता गया, जैसे बड़ा होता गया उपद्रव भी बढ़ते ही चले गए, उपद्रव कम नहीं हुए। मथुरा के लोग उग्रसेन के पास में शिकायत लेके जाते हैं, महाराज अब आप अपने बच्चे को क्यों नहीं समझाते हैं? तुम्हारा लड़का तो बड़ा तंग किए रहता है, डर की वजह से हम कुछ कहते नहीं है, आप भी समझाते नहीं, तो क्या करें, मथुरा को छोड़ दे? तो उग्रसेन ने कंस को बुलाया और एक बात कही, बेटा ये मैं क्या सुन रहा हूं, मथुरा के लोगों पर तुम इतना बड़ा अत्याचार करते हो, तुम्हें नहीं मालूम राजा अगर अपनी प्रजा को ही मारते फिर शासन किसके ऊपर करेगा? वो राजा राजा नहीं होता जिससे प्रजा से प्रेम ना हो। कंस ने जैसे इतने शब्द सुने उठ के खड़ा हो गया, बोला सुन लिया आप लोगों ने, सुन लिया, सच बात तो ये है कि मैं कुछ नहीं करता, और सच बात ये भी है हमारे पिताजी के ऊपर बुढ़ापा है, अब इनके अंदर वो बुद्धि नहीं रही, अब इन्हें नहीं मालूम कि राज्य कैसे चलता है, और माफ करना हम अपने आप से कोई निर्णय नहीं करेंगे, हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप बताइए अगर हम मथुरा के राजा बन जाए तो फिर कैसा रहेगा, बोलो।
कोई नहीं बोला। कंस के पीछे जो घूमन बह रहे उठ के खड़े हो गए, बोले महाराज की जय हो, आप राजा बन गए। अरे तो फिर इससे सुंदर और क्या है। कंस ने अपने पिता के सर से मुकुट उतार करके अपने सर पर रख लिया, कंस राजा बन गया। राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करता हुआ बोला, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, ये आप लोगों की ही देन है, आप लोगों की ही दुआ है, आप लोगों की ही कृपा है जो आज हम आपके सामने इस राजगद्दी पर बैठे हुए हैं। मैं ये चाहता हूं हमारे शासन में कोई भी दुखी न रहे और मैं किसी को दुखी देखना नहीं चाहता। दुखी देखना नहीं चाहता, हम केवल आप लोगों का दुख दूर करने के लिए ही तो राजा हुए। किसी को भी दुखी देखना नहीं चाहता क्योंकि मेरा हृदय बड़ा दयालु है। एक बात जरूर है, हमारे पिता के शासन में जो कानून चलाए जाते थे वे बिल्कुल बंद कर दिए जाएं। अरे अब हम नए राजा हुए हैं तो नए कानून बनाएंगे, हमारे शासन में कोई भी यज्ञ नहीं करेगा। नहीं मालूम पौष्टिक घी को अग्नि में जला देते हो, खुद खाओ और शरीर को तंदुरुस्त बनाओ, काय को जला देते हो भाई। हमारे शासन में कोई भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा, ज्यादा बूढ़े हो जाए पकड़ के कुएं में डाल दो, व्यर्थ में मत खिलाओ। मैं ये चाहता हूं हमारे शासन में कोई भी दुखी न रहे, अगर किसी को कोई दुख है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है तो बोलो। हिम्मत करके खड़ा हो गया, महाराज की जय हो, कहिए क्या दुख है तुम्हें। बोला महाराज मैं ये चाहता हूं आपके पिता के शासन में जो कानून चलाए जाते थे आप वही कानून चलाएं, आप कोई नए कानून न बनाएं, इसका हमें बहुत बड़ा दुख है। कोई बात नहीं, भरे दरबार में किसी को कोई दुख नहीं है लेकिन तुम्हें बहुत बड़ा दुख है। और मेरा हृदय बड़ा दयालु है, मैं किसी को दुखी देखना ही नहीं चाहता। ऐसा करो जल्लादो, इन्हें बहुत बड़ा दुख है, अगर ये जीवित बने रहे तो इन्हें दोबारा फिर दुख होगा, फिर मेरे सामने रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे, और मर गए तो कोई दुख नहीं होगा, इसलिए ऐसा करो इन्हें फांसी लगा दीजिए, फांसी। और बोलो किसी को कोई दुख है। कलश वाली कन्या खड़ी हो जा, जब राजा बना अत्याचार कर रहा है, डर की वजह से कोई कुछ कहता ही नहीं है, कहेंगे कैसे, कहेंगे तो मारे जाएंगे, बच ही नहीं पाएंगे। एक दिन कंस दरबार में बैठा हुआ था, मंत्री से सलाह मिलाई, मंत्री जी महाराज दिखता नहीं है मैं शादी के योग्य हूं लेकिन मारी समझ में यही नहीं आ रहा मैं शादी करूं तो किसके साथ में करूं भाई। बोले महाराज मगर देश के जो राजा हैं जरासंध, जिनके घर में दो बेटियां हैं 80 और प्राप्ति, दोनों देखने में बड़ी सुंदर है, उन्हीं के साथ में शादी कर दी। और दोनों लड़कियां जो थी कि दोनों चंद्रपद नहीं जियारी पर मुंह में मिटिया कुहार,
अस्थि और प्राप्ति देखने में बड़ी सुंदर। और क्या कच्छ जरा सिंध के नजदीक और